नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे 27 दिसंबर 2020 को अधीनस्थ सेवा बोर्ड के द्वारा जो पेपर आयोजित हुआ था इन्वेस्टिगेटर का, उसको लेकर। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि अगर हम ओल्ड पेपर को सॉल्व करते हैं तो इससे हमें आगामी जो पेपर होते हैं उसमें थोड़ी सी हेल्प मिलती है, साथ ही साथ हमें वर्तमान में परीक्षाओं का जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न का भी पता लगता है, और उसी के आधार पर हम लोग हमारी जो तैयारी है उसकी जांच कर सकते हैं कि हम किस डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं और हमें कितने और ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है, या हमारी तैयारी कितनी सफिशिएंट है कि हम पेपर को क्रैक कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पेपर की, कि किस प्रकार से राजस्थान के 50 प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन उससे पहले, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ, और इसका उद्घाटन जो किया गया था वो आपके लोहागढ़ में किया गया था। और लोहागढ़ कहाँ स्थित है? भरतपुर में। लोहागढ़ को कहा जाता है कर्नल लेक जो है उसका वाटरलू, कर्नल लेक का वाटरलू कहा जाता है लोहागढ़ को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन था, राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयालदास को संरक्षण देने वाले शासक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराजा रतन सिंह, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था, किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई? अब देखो, शासनकाल पूछा है हमें, तो शासनकाल में यदि हम लोग बात करें तो मेवाड़ की तरफ से जो शासक थे वो उस समय थे अमर सिंह, और मुगलों की तरफ से जो शासक थे वो थे जहांगीर। लेकिन संधि करने के लिए ये दोनों नहीं गए थे। संधि करने के लिए मेवाड़ की तरफ से अमर सिंह की तरफ से गए थे करण सिंह, और जहांगीर की तरफ से गया था खुर्रम। और संधि होती है आपकी 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ और मुगल के बीच संधि, जिसको चित्तौड़ की संधि के नाम से जाना जाता है। अब क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि उसमें शासक कौन था, तो शासक बताना है, तो आपका शासक हो जाएगा इसमें जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महामारू मंदिर निर्माण वास्तु शैली के संरक्षक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिहार, गुजर प्रतिहार जो थे वो महामारू मंदिर निर्माण की जो वास्तु शैली है उसके संरक्षक थे। फिर अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? यानी हमें वो बताना है जिसने स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा नारायणी देवी वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा की वाइफ थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। अगला प्रश्न था, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा? तो आंसर हो जाएगा खेराबाद। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम रख दिया खेराबाद। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि खिजराबाद किस किले का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास कि किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख 1170 में मिला था, 1170 का अभिलेख है, और इसका जो लेखक है वो है गुणभद्र। ये बिजोलिया भीलवाड़ा में मिला था, और इस अभिलेख में चौहान जो है उन चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई? यानी हमें बताना है कि सूर्यमल मिश्रण की रचना कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा वीर सतसई। वीर सतसई के अलावा सूर्यमल मिश्रण की और रचना यदि हम देखें तो और रचना का नाम है वंश भास्कर। वीर विनोद कविराज श्यामलदास के द्वारा, चेतावनी रचुंगटिया ये लिखी गई थी केसर सिंह बारट के द्वारा, जिसमें इन्होंने राजस्थानी भाषा में 1300 लिखे थे। ये किस महाराजा को लिखे थे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। राजविलास जो है इसके लेखक हैं कवि मान, जो कि
महाराजा राज सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की छत्री कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांडोली। एक बार ये राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि चेतक की छतरी कहाँ पर है और महाराणा प्रताप की बांडोली में जो छतरी है वो कितने खंभों की है। अगला प्रश्न, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की? तो इसका आंसर हो जाएगा जगदेव। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र थेवा कला के लिए विश्व विख्यात है? तो आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध में सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला? तो इसका आंसर हो जाएगा झाला अज्जा। अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हल्दीघाटी में चेतक जब घायल हुआ था और महाराणा प्रताप हल्दीघाटी छोड़कर निकले थे तो उनका स्थान किसने संभाला था या मेवाड़ी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका आंसर होता है झालामान, या उसी को कहा जाता है झाला अज्जा। बिल्कुल इजीली आप लोग इस सॉरी झाला बिद्दा इसी को आप इजीली याद रख सकते हैं। भाई आप सीधा सा देखो कि सांगा और प्रताप, इन दोनों में से पहले कौन आता है? पहले आता है सांगा, बाद में आता है प्रताप। सांगा पहले आता है, तो आप देखो एबीसीडी में पहले आता है ए और बाद में आता है बी, यानी सांगा, सांगा का हो जाएगा अज्जा, प्रताप, प्रताप का बी से बिदा या जालामान हो जाएगा। अगला प्रश्न, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आंसर हो जाएगा संत हरिदास। आपको बताना है कि इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर की थी। साथ ही साथ संत हरिदास जो है इनको कहा जाता है कलयुग का वाल्मीकि। इनके द्वारा प्रसिद्ध जो ग्रंथ है उनका नाम है, एक तो है मंत्र राज प्रकाश और दूसरा है हरिपुरुष की वाणी। यानी मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी, ये ग्रंथ किसके हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा संत हरिदास के। अगला प्रश्न है, हमीरहट के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। हमीरहट के लेखक चंद्रशेखर। अब बाकी जो तीन कवि हमें दे रखे हैं उनकी भी रचनाएं हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कर्णिदान की यदि बात करें तो इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था सूरज प्रकाश। फिर सदाशिव भट्ट की बात करें तो इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, उस ग्रंथ का नाम था राज रत्नाकार। और नयन चंद्र सूरी की बात करें तो इन्होंने लिखा था हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि सूरज प्रकाश के लेखक कौन है या राज रत्नाकार के लेखक कौन है या हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपके पास सूरज प्रकाश के तो कर्णिदान हो जाएंगे, राज रत्नाकार के सदाशिव भट्ट हो जाएंगे और हमीर महाकाव्य के आपके नयन चंद्र सूरी हो जाएंगे। अगला प्रश्न था, हालरो कहाँ पहना जाता है? तो आंसर हो जाएगा महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर जयपुर जिले में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सात सहेली मंदिर। सात सहेली मंदिर जो है ये आपके झालरा पाटन में स्थित है। अब देखो इस मंदिर के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इस मंदिर को कहा जाता है पद्मनाभ मंदिर, जो कि एक सूर्य मंदिर है। साथ ही साथ इस मंदिर के अन्य नाम सप्तरत मंदिर या बड़ा मंदिर भी मिलते हैं। इस मंदिर में भगवान विष्णु की चतुर्मुखी मूर्ति है, इसलिए कर्नल जेम्स टोड जो है उन्होंने इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर भी कहा है, तो इस बात का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल अलवर जिले में स्थित नहीं है? तो इसका तो सीधा सा हो जाएगा आपका आबानेरी, जो कि दौसा में स्थित है। आबानेरी दौसा में स्थित है इसलिए अलवर में स्थित नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला प्रश्न, दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू दयाल का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया था गरीबदास को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मनोहर। यह था आपका मेवाड़ चित्रशैली से रिलेटेड। अगर सीधा सा पूछा जाए कि मनोहर नामक चित्रकार का संबंध कहाँ से है, तो आंसर हो जाएगा मेवाड़ चित्रशैली से। अगला प्रश्न 20वां,
इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बताना है कि इस इंडिया हाउस की स्थापना इन्होंने ब्रिटेन में कब की थी। फिर 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा, तो आंसर हो जाएगा तख्त सिंह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रामनारायण चौधरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका मेवात से संबंधित। रणकपुर मंदिर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिनका संबंध, तो रणकपुर के जो मंदिर है इनका संबंध जैन धर्म से है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ? तो आंसर हो जाएगा महाराजा राम सिंह द्वितीय, 1876। आप लोगों को बताना है कि अल्बर्ट हॉल जो है इसका वास्तुकार कौन था। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग, संभाग की जगह मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए जिला पूछना चाहिए, यानी क्योंकि यहाँ पूछा गया है, या क्षेत्र पूछना चाहिए क्योंकि इंग्लिश अगर अपन इसकी देखें तो होती है फर्स्ट इको फ्रेंडली जोन, जोन का मतलब वही है कि क्षेत्र, तो आंसर हो जाएगा इसका माउंट आबू, नहीं कि संभाग, क्योंकि यहाँ संभाग में तो नाम खाली एक उदयपुर का ही दिया हुआ है, बाकी आपके पास तीन जिले हैं, तो ऐसे में आपको इसकी इंग्लिश देखनी थी कि भाई पर इको सेंसिटिव या इको फ्रेंडली जोन कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा माउंट आबू। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहाँ तक प्रारंभ हुई? तो वो हुई थी आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य 1874 में। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में सागवान वन पाए जाते हैं? तो हमें पता है कि राजस्थान के दक्षिणी जिलों में सागवान के वन पाए जाते हैं, तो दक्षिणी जिले की यदि हम बात करें तो आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल्स समूह की मृदा पाई जाती है? तो वो हो जाएगा आपका पश्चिमी राजस्थान। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है अधीनस्थ बोर्ड का या आरपीएससी का, उसको कहा जाता है मावठ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिशलपुर परियोजना से सीधे लाभ प्राप्त नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका सवाई माधोपुर, क्योंकि अजमेर टोंक जयपुर ये तो सीधा सीधा लाभ प्राप्त करते हैं बिशलपुर बांध से। बिशलपुर बांध का संबंध किस नदी से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बनास नदी से। अगला प्रश्न 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली मुर्गे मुर्गे के लिए फेमस है? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट आबू, जंगली मुर्गे के लिए फेमस है माउंट आबू। विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस जो है वो आपके किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इस बार का जो विश्व ओजोन दिवस था उसकी थीम क्या थी। फिर बाकी दिन की यदि हम बात करें तो 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। कौन सा दिवस? विश्व जैव ईंधन दिवस। फिर 22 मई की बात करें तो 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, और 22 जून की बात करें तो 22 जून को मनाया जाता है विश्व वर्षावन दिवस, विश्व वर्षावन या रेन फॉरेस्ट डे। अगला प्रश्न, राजस्थान के कालकाजी और कांवला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रेनाइट, जालोर में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ अधिक ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेरी। अब सर्वश्रेष्ठ ऊन की यदि बात करें तब आंसर होता चोखला। अगला प्रश्न, टांका और खड़ीन प्रकार है, तो ये हो जाएंगे आपके परंपरागत जल संरक्षण के, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो आंसर हो जाएगा रणथंभौर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बेणेश्वर तीन नदियों के संगम पर स्थित है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बनास नदी।
जिन तीन नदियों का संबंध है वो है आपकी सोम, माही और जाखम। अगला प्रश्न, वर्तमान में निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में सम्मिलित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलवर और भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मरुस्थलीय वनस्पतियां किस नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है जेरोफाइट के नाम से, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका पाली जिला। अगला प्रश्न, जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? अब देखो किस प्रकार के, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो बरखान और अनुदेद्री, दोनों प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो आपके जैसलमेर में पाए जाते हैं। लेकिन प्रधानतः यदि हम लोग बात करें तो अनुदेद्री बालू का स्तूप, जिनको हम पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी कहते हैं, तो प्रधानतः आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए इसका अनुदेद्री। बाकी बरखान टाइप के बालू का स्तूप भी जैसलमेर में पाए जाते हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये परवलिक जो बालिका स्तूप है ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। फिर राजस्थान का बांकली बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आंसर हो जाएगा सूकड़ी नदी। कौन से जिले में है? तब हमारा आंसर होगा जालौर जिले में। अब कई बार क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि बांकली नामक जो झील है वो कहाँ स्थित है? तब हमारा आंसर होगा पाली जिले में। अगला प्रश्न, राजस्थान में पुष्टिकर का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? देखो पुष्टिकर जो है ये जोधपुर की एक सोसाइटी है, जोधपुर की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और इसका संबंध जल संरक्षण से है, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है अविकानगर टोंक में। मंगला क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह है? तो आंसर हो जाएगा आपका बाड़मेर, क्योंकि ये तेल का कुआं है और कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। अगला प्रश्न, अरावली वृक्षारोपण परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो आंसर हो जाएगा 1992। फिर डबोक हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है जो कि आपके उदयपुर में पड़ता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और लास्ट क्वेश्चन था, निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्ट पाया जाता है? अब देखो पश्चिमी राजस्थान में विशिष्ट यानी जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है यहाँ का पूछा, तो अब यहाँ यदि हम लोग देखें तो यहाँ एक शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है एरिडिसोल मृदा। फिर अर्ध शुष्क मरुस्थल की यदि हम लोग बात करें तो वहाँ पाई जाती है एंटीसोल्स मृदा। अब क्योंकि हमें विशेषत पश्चिमी राजस्थान में पूछी है तो आंसर हो जाएगा आपका एरिडिसोल्स, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। वैसे आपके एक क्वेश्चन आ रखा था कि एंटीसोल मृदा जो है उसका संबंध किस भाग से है, तो उसमें क्योंकि पश्चिमी भाग ऑप्शन में था तो हमने पश्चिमी किया, लेकिन विशिष्टतया आपको पूछा है कि पश्चिमी भाग में कौन सी पाई जाती है, तो आंसर होगा एरिडिसोल्स। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे जो इन्वेस्टिगेटर के पेपर में पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए आगामी तैयारी को देखने के लिए ये वीडियो उपयोगी होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।